क्या हाल चाल? चलो गुड। क्या स्कोर नहीं बना पाए आप लोग? है अच्छी टीम है ये भी। चलो चलो ठीक है, करो कंटिन्यू। एक बार मैं भी खेलता हूँ। अब उस सामने नियास लंबे रनअप के साथ टीम को हरा के फाइनल में जगह बना ली। आज दोनों टीमें आमने सामने। क्योंकि हर ओवर में बाउंड्री का निकालना यहाँ जरूरी रहेगा, क्योंकि बाउंड्री जिन्नी बाउंड्री यहाँ निकल। हेलो, खेलने वाला बंदा हूँ, खेलने वाला बंदा हूँ। बस कौन जीतेगा? जो एक शहीद के नाम पे ये क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ चलाया गया, ये आज अच्छे तरीके के साथ यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। आज ये दो टीमों के दरमियान फाइनल मुकाबला हुआ, यहाँ राणा इंडियन बारो और ईएसएस तुमेल के दरमियान एक अच्छा फाइनल हुआ। मैं दोनों टीमों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप दोनों टीमें दूर से खेला, अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। रिपोर्टर आए हैं, हम उनका भी हस्ते दिल शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के मेहमान खुसूसी ट्रेडिशनल एसपी जनाब इफ्तिखार अहमद चौधरी को दावत देता हूं कि वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पे मौजूद ऑनरेबल काउंसलर एट लार्ज और हमारे डिफीटेड एमपी सजाद साहब, बीडीसी चेयरमैन, खुशी होती थी कि आप लोग अच्छे से खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट शहीद जुल्फकार अली क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ये हमने जो मुनक्कद किया उसका जारी रहता है। इस पूरे टूर्नामेंट में हमें स्कोरिंग इम्पेयरिंग के फराइज इंजाम दिए, हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सबसे पहला इनाम जाता है इम्पेयर का शब्बीर यादव रोपिए,
रुपया यहाँ कैश प्राइस दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की जाने। तो उसके बाद है सिकोरिंग और सिकोरर, हम आपको मुबारक हो जिन्होंने सिकोरिंग के लिए हमारी काफी मदद की। और जो है इसके बाद कंटीन, देश का अवार्ड जाता है याराना इंडियन बरुक के मोहम्मद यूसुफ। ₹1,000 का चेक यहां दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की तरफ से। ये इनाम आपको मुबारक हो यूसुफ भाई। ₹1,000 का चेक यहां दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की तरफ से, जिन्होंने 8 विकेट निकाले अब तक और 40 रन बनाए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की तरफ से हाई स्कूल काकसर के स्टूडेंट्स को एक किट दिया गया है। ये इनाम मुबारक हो इनको और उनके स्टूडेंट्स को। हबीब यहाँ है, न्यू विनर इज जोरज। बहुत बहुत शाबाश यहाँ है। ट्रॉफी के साथ ₹10,000 का यहाँ चेक दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की जानिब से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये इनाम आपको मुबारक हो याराना इंडियन बरुक को, विनर रही और विनर ट्रॉफी के साथ ₹10,000 के यहाँ इनाम दिया जा रहा है। ये इनाम मुबारक हो याराना इंडियन बरुक को। ये इनाम मुबारक हो तो मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस शहीद जुल्फिकार अली किरकन मेमोरियल ट्रॉफी 2022 का खिताब जीतने में कामयाब रहे। तो इस 4 दिनों में आप को क्या सपोर्ट रहा है यहाँ के लोगों का और इसका? को मुबारकबाद कि इस साल चाहे बेमातम प्ले फील्ड में हो चाहे काकसर में हो, बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, एक एमर्जिंग टीम बन रहे हैं, रोज बर रोज बेहतर खेल खेल रहे हैं तो और फाइनल भी पहुंचे, उनके लिए मुबारकबाद। आज आपके दिन नहीं थे तो जीत नहीं पाए, वो इज अ पार्ट ऑफ गेम। जहाँ तक रही क्रिकेट टूर्नामेंट की बात है तो पुलिस वालों ने बहुत बेहतर तरीके से चलाया है। 2-3 दिन थोड़ा मौसम ने साथ नहीं दिया, बाकी टूर्नामेंट बहुत बेहतर तरीके से इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, बेमातम से भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, पिच बनाने की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं चाहे वो थ्रू काउंसिल कमेटी की तरफ से हो या आपके पुलिस कमेटी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अगर इसको ग्राउंड को जो है थोड़ा मेंटेनेंस किया जाए तो बहुत ही करगिल का शायद मेरे को लग रहा है कि सबसे खूबसूरत ग्राउंड बनेगा। लोगों का क्या टाउन रहा, क्या इंडियन बरू के लिए इस जी? याराना इंडियन बरू के फैंस फॉलोइंग बहुत है, उनके हम बहुत ही शुक्रगुजार है सारे फैंस का। खास कर काकसर की भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें यहाँ पे आए हमें सपोर्ट किया। अली भाई आप जो पिछले 10-15 सालों से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके आप लोगों के हौसला अफजाई की वजह से फैंस चैंपियन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज भाई, यहाँ से जाके टूर्नामेंट होगा, फिर से मुलाकात होगी। शुक्रिया अली भाई, एक अनाउंसमेंट है जो खतीजा बानो थी जो क्रिकेट जो एक मीडिया सेंसेशन बन चुका है मासूमा बानो, तो वो बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। हम उनके ज़्यादा सपोर्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन याराना कमेटी या हमारे पूरे याराना टीम की तरफ से हम उनको 3,000 रुपये के इनाम उनके हौसला अफजाई के लिए हम देना चाहते हैं। तो जो विराट कोहली को चाहती है ये इनाम आपको मुबारक हो याराना बरू की तरफ। आज का फाइनल आप पे हार चुके हैं, लेकिन अच्छा खेला, अच्छा एक स्टेज तक लाने में कामयाब रहे। तो आज क्या कारण रहा, किस डिपार्टमेंट में कमी रही, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम अली साहब, शुक्रिया
मीडिया सब सबका मतलब मीडिया हजरात सबका शुक्रिया, और कक्सर गांव के पूरे सपोर्टर सबके लिए शुक्रिया हमारे टीम का। और आज तक 3 दिन से हम इस ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पूरा 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, मतलब परसों का जो मतलब 2-3 दिन जो गुजरे उन दिनों में सर्दियों के साथ वो हमारे साथ दे रहे थे, इसके लिए शुक्रिया। आज के मैच का बारे में अगर बताऊं तो हमने बहुत गलतियां की है फील्डिंग में 3-4 कैच हमने ड्रॉप किया, इस वजह से स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ स्कोर बन भी सकता है 200, लेकिन हमारा ओपनर का इतना स्टैंड नहीं हुआ और टॉप ऑर्डर ने भी उतना अच्छा नहीं खेला, उस वजह से थोड़ा सा हमें स्ट्रगल हुआ लास्ट पे। मैं चाहता हूँ उन्होंने अच्छे टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, तो यहाँ के लोगों का क्या सपोर्ट रहा है यूएस स्टेमल के लिए, उस ग्राउंड के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि वो हर मैच में हमें सपोर्ट करता है। आज थोड़ा मैच थोड़ा हमारा बॉलिंग का बॉलिंग अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा हो गया तो फिर पिच को तो अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि काफी फर्क लगेगा पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतना अच्छा टूर्नामेंट चलाया और हमारे यूथ को थोड़ा इंकरेज किया। इस टूर्नामेंट से हमें यही सीख है कि उनको मतलब आगे जाने की कोशिश होता है, और बाकी यहाँ बाक्सर का देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला हमें, और स्पेशली हमारे गाँव का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वहाँ से बहुत कैप्टन साहब हमारे साथ।